बहुत नकली थे। यानी इन लोगों का नुक्ता नजर ये है कि अल्लाह ताला ने जो दीन कुरान मजीद में नाजिल किया, जिसकी शरह वजाहत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, इस दीन पर हमारे कदीम बुजुर्गों ने गौर व खौज करने के बाद अब हर चीज मुतय्यन कर दी। इसमें जो कलाम के मसले हैं वो भी मुतय्यन हो गए हैं, इसमें जो अकायद के मसाइल हैं वो भी तय हो गए हैं, और इसमें जो फिका के मसाइल हैं वो भी तय हो गए हैं। और इस बाब में बिलखसूस ये जरूरी है कि आदमी किसी एक मकसद फिक्र का होकर रहे। ये लोग खुद अहनाब से ताल्लुक रखते हैं, चनाचे इमाम वो हनीफा की फिका जो अहद बहद तरक्की करके हम तक पहुंची है उसके साथ गैर मामूली तसल्लुक है। इस तसल्लुक की आखिरी हद ये है कि एक मसले के बारे में हमारे ही एक दोस्त ने एक मरतबा एक देवबंदी आलिम से इस्तफसार किया। मसले का जवाब देते हुए एक दूसरे साहिब ने जरा आम उलमा से हटकर राय दे दी और अपनी राय की बुनियाद अहनाफ के सिवा दूसरे लोगों की राय पर रखी। तो उन्होंने अपनी राय भी दी और उस पर जुमला भी लिखा कि ये बात वाजे रहनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने असल में तो दीन इमाम हनीफा के फहम पर रोशन किया था, बाकी अइम्मा की मिसाल ऐसे ही है जैसे नूर की हकीकत वाजे करने के लिए अल्लाह ने जुल्मत भी तख्लीक की। तसल्लुब और तासुब की ये हद है जिस तक बाद लोग पहुंच जाते हैं। बहरहाल ये रूह है उसकी। जो लोग जरा शाइस्ता मुअज्जब हैं वो जाहिर है कि इस तरह का उसलूब इख्तियार नहीं करेंगे, लेकिन इस तसल्लुब का आलम यह है कि इमाम साहब की किसी राय पर नक्श करके देख लीजिए या अहनाफ के किसी मुसलमा मजहबी पर नक्श करके देख लीजिए, मजाल नहीं है कि उसके ऊपर कोई अदना दर्जे में भी तब्दीली और तरमीम करने के लिए तैयार। मफकूदुल खबर का मसला हमारे यहां एक जमाने में बहुत मारका आ रहा। अगर किसी आदमी के साथ ये हादसा हो जाए, कोई कहीं गुम हो जाए, तो उसकी बीवी को कितनी देर तक इंतजार करना चाहिए? अहनाफ के यहां जो आम मजहब है वो ये है कि उसको तबई उम्र तक। अब तबई उम्र क्या होती है? बाद ने कहा 96 साल, बाद ने कहा कि 100 साल, बाद ने कहा 120 साल। उसके बाद ये मसला ही पैदा हो कि इससे ज्यादा के भी लोग रहे हैं दुनिया में, तो इतनी देर उसको इंतजार करना चाहिए? और इस सारे अरसे के दौरान में भी अगर उसके शौहर साहब आ जाएंगे तो उन्हीं को मिलेगी। मालिकिया का मसला किस मामले में मारूफ है उसमें बड़ी तफसील है, लेकिन बहरहाल आम तौर पर वो बाज हालात में 4 साल तक इसको महदूद कर लेते हैं। उनके यहां तो ऐसी सूरतें भी हैं कि जिनमें फौरन निकाह की इजाजत दे देते हैं, यानी इद्दत गुजारने के बाद। लेकिन उस मसलक को तो इस माजरत के साथ कि फलां साहेब ने भी और फलां इम्मा ने भी फलां उलमा ने भी फलां दौर में हमारे लोगों में से कभी कभी दूसरे लोगों की कोई राय इख्तियार कर ही ली, इसलिए कि बड़ी बेमानी बात थी। मालिकिया का मसलक बहुत सही है और अकल आम के तकाजों को पूरा करता है, इतनी माजरतों के साथ उसको अपनाया गया। यानी यही नुकता नजर है कि यह गोया वही और इल्हाम है। तकलीफ के मामले में इन लोगों का नुकता नजर रही है। इस मामले में जो दलीलें आमतौर पर दी जाती हैं ये वाकया है कि वह जज्बात की शायरी। ये दलील कि अल्लाह ताला ने उस जमाने में इन लोगों को पैदा किया, इन्होंने दीन पर बहुत काम किया, इनके फजाइल ये थे, इनका तकवा ये था, हम इन सब बातों को मानते हैं, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद बहरहाल क्या फजाइल अब अल्लाह ताला ने बंद कर दिए हमेशा के लिए? अहले तकवा की पैदाइश पर मोहर लगा दी है? अल्लाह ताला तो कुरान मजीद में ये कहते हैं कि जो सबसे आला दर्जा है पैगम्बरों के बाद, जो सबसे आला दर्जा दीन का है, वह साबिकुन अलवलून का है, और उनके बारे में कुरान की नस यह है कि सुन्नतुम मिन अलवलीन व कलीलुम मिन अलआखरीन। वो पहलों में से भी होंगे, बाद वालों में से भी होंगे, हर दौर में होंगे। तो अल्लाह के बंदे तकवे के लिहाज से भी, दीन के साथ ताल्लुक के लिहाज से भी हर जमाने में पैदा होते रहते हैं। लेकिन जो आदमी जरा माजी में चला जाए उसके बारे में लोगों के अंदर एक तकद्दुस की फिजा पैदा हो जाती है, उससे फायदा उठाना भी बहुत आसान होता है। अपने जमाने में वो सारी बहसें उसके बारे में होती हैं और तारीख के रिकॉर्ड में महफूज रहती हैं जो इस जमाने के किसी भी शख्स के बारे में हो सकती हैं। अगर माजी में चले गए, वो रिसालत मआद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बहुत करीब थे, क्योंकि जमाने के बहुत करीब थे इसलिए उनके पास मालूमात ज्यादा थी। ये वाकया है कि ये बात बज़ाहिर आदमी को बहुत मुतासर करती है, लेकिन इल्मी लिहाज से सूरत-ए-हाल इसके बिल्कुल बरखिलाफ। कुरान मजीद दीन की बुनियाद है, उसका तो कोई हिस्सा कहीं नहीं रह गया, वो पूरा का पूरा जिस तरह उनके पास मौजूद था हमारे पास भी मौजूद है। दूसरी चीज पैगम्बर की सुन्नत साबिता है, यानी वो तरीका जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत में जारी कर दिया, उसकी तो सनद ही यह है कि नस्लन बाद नस्लन मुंतकिल होता हुआ चला आ रहा है,
और उसके बारे में इस उम्मत के अंदर तवातुर का अल्लाह ताला ने एहतमाम फरमाया है, उसके बारे में बहस नहीं हो सकती। अहदीस रवायात, तीसरी चीज यही रह जाती है जो पैगम्बर का इल्म हुआ है। ये हकीकत है कि जितने बड़े पैमाने पर आज हम उस पर मुस्तला हैं उस जमाने में नहीं। उस जमाने की तारीख के बारे में ये कोई जज्बाती बात नहीं है कि आदमी खामखा इस तरह के तकद्दुस का शिकार हो जाए। ये वाकया है कि एक दियार से दूसरे दियार के लोगों को बहुत सी चीजों का इल्म नहीं। वो लोग जो कूफे में थे उनको बाद अवकात नहीं मालूम होता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का वो जखीरा जो मिसाल के तौर पर हिजाज में है या दूसरी जगह पर है वो क्या क्या। बाद में वो सब तरतीब पा गया, बहुत सी चीजें मिल गई। मिलने के बाद उनको छापा गया, वो अब अदवार में से गुजर कर हमारे पास पहुंच गई हैं। उन पर तनकीद और जरा का काम भी बहुत सा हो गया हुआ है। कितने अकाबिर हैं जिनसे बहुत से अकाबिर वाकिफ नहीं, कितने लोग हैं जिनकी आरा से वाकिफ नहीं। तो कोई आदमी हमारी कदीम इल्मी किताबों को उठाकर देख ले, उसको ये मालूम हो जाएगा कि इस मामले में एक ही ये दायरा है जिसमें ज्यादा इलम होने का इम्कान है। ये वाकया है कि इस जमाने के एक महक्किक के लिए उस तक रसाई के जराये बहुत वसी हो चुके। इसके सिवा और क्या बात कही जा सकती है? ये वाकया कि मैं नहीं समझ सका क्या कही जा सकती। मैंने अर्ज किया कि जज्बात की शायरी है वो ठीक है, एक वायद अपने मिंबर पर बैठकर कर सकता है, लेकिन इल्म और दानिश की दुनिया में उसकी कोई अहमियत नहीं होती। तकलीद के मामले में इन हजरात के इसरार का मामला यह है कि किसी आलिम से गुफ्तगू करके देख लीजिए, नहायत माकूल गुफ्तगू करते करते इस हरीम में कदम रख दीजिए तो मालूम हो जाएगा कि उसके बाद इल्म इस्तदराल की सारी कुव्वतें बिल्कुल मफकूद हो गई। ये कैसे हो सकता है? तुम लोग उनसे बड़े हो, उन पर तनकीद करते हो, उनकी राय को गलत समझते हो। जाहिर है कि ये बिल्कुल जज्बाती बातें हैं। इलम की दुनिया में अगर कोई शख्सियत तनकीद से बालातर है तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है, और अगर किसी किताब के बारे में दूसरी राय नहीं हो सकती तो वो कुरान मजीद। बाकी हर चीज पर तनकीद भी होगी, तनकीद भी होगी, उसका तजिया भी होगा। लोगों की आरा है, हम रिजाल व नहनु रिजाल, हमारे दिल में उनकी बड़ी इज्जत है, उनके काम का बड़ा एहतराम है, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद इसका दरवाजा इस उम्मत के लिए हमेशा खुला है कि इसमें जो आदमी भी अपने आप को इसका अहल साबित कर दे, वो तहकीक तनकीद करके जिस चीज को सही समझे उसको अपना ले और इख्तियार कर ले।